ग्राम पंचायत की सभी जन प्रतिनिधियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपसे समानता के विषय पर बात करूंगी। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समानता और न्याय का अधिकार दिया है। ये अधिकार समाज में बराबरी की बात करता है और सामाजिक भेदभाव को रोकता है। लेकिन समाज में हम आए दिन भेदभाव देखते हैं। इन असमानताओं का कारण है हमारे समाज में मौलिक अधिकारों का पूरी तरह लागू ना होना, अवसर और सुविधाओं का सब तक ना पहुंचना, पितृसत्ता और सामाजिक व्यवस्थाओं में गैर बराबरी का होना। वैसे तो हम सब एक समान जन्म लेते हैं, पर समाज में हमारी पहचान कई तरह के आधारों पर बनती है और इन पहचानों के आधार पर फिर हमारे साथ भेदभाव होते हैं। इसका असर हमारी भूमिका, व्यवहार, आत्मसम्मान और गौरव पे पड़ता है। इन सभी पहचानों में लगभग सभी महिलाएं सबसे पीछे हैं। दोनों ही वंचित और सामान्य वर्गों में उन्हें बराबर का नागरिक नहीं समझा जाता है। तो वंचित वर्ग के लोगों और महिलाओं के लिए समानता कैसे आएगी? समता की प्रक्रिया चलाने से समानता आ सकती है। तो आखिर समता वाली समानता क्या होती है? खास वंचित वर्गों की खास जरूरतों के लिए खास व्यवस्था का लाना और सामाजिक न्याय करना, अवसर देना, पहुंच बढ़ाना और सम्मानजनक व्यवहार का होना ही समता वाली समानता है। समता वाली समानता लाने के लिए हमारे देश ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। महिलाओं को आरक्षण दिया गया, घरेलू हिंसा जैसे शोषणों को कानून बनाकर रोका गया, बालिकाओं की शिक्षा पूरी करने के लिए कई तरह के कानून लाए गए हैं। महिला जन प्रतिनिधि होने के नाते आप समता की प्रक्रिया से सामाजिक न्याय ला सकती है। आपके पास राजनीतिक ताकत है जिससे आप संवैधानिक अधिकारों को अपने ग्राम में लागू करा सकती हैं। पंचायती राज कानून के तहत पंचायत की मुख्य जिम्मेदारी है नागरिकों का विकास। सभी कार्यक्रमों, सेवाओं और योजनाओं का फायदा वंचितों और महिलाओं तक पहुंचाएं। महिलाओं और वंचितों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास लाएं। पंचायत में सालाना विकास की योजना बनती है जिसको GPDP कहते हैं। सामाजिक समानता और न्याय को ध्यान में रखकर आप अपनी GPDP बना सकती हैं और लागू कर सकती हैं। ग्राम सभा, वार्ड सभा और महिला सभा में आप लोगों की भागीदारी लें। अपने समुदाय में समता वाली समानता की बात करें और सामाजिक न्याय बढ़ाएं। आशा है आप ये अपने काम में जरूर लागू करेंगे। तो चलो आगे बढ़ो और अपनी ग्राम पंचायत में समता वाली समानता लेकर आओ।